नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास खबरों के साथ। कोविड-19 महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है, दर गरीब रोटी की तलाश में दर उधर जा रहा है। तब अहमदाबाद पुलिस कर्मियों द्वारा गरीब लोगों को राशन किट वितरित किया गया, जिसमें ऐसे लोगों को राशन मिला जो बिल्कुल गरीब है, मजदूर है, विधवा बहनों को सहायता पहुंचाई पुलिस कर्मियों द्वारा। विवेकानंद पुलिस थाना हाथीजन अहमदाबाद। वर्तमान समय में कोरोना की कहर ने पूरे विश्व को अपने जाल में जकड़ रखा है। इस भयानक महामारी से बचने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22 मार्च से आज तक पूरे देश को संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में रखा है, जो जनहित और देशहित के लिए आवश्यक है। लॉकडाउन के ऐसे कठिन समय में कई गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खुद का एवं परिवार का गुजारा करना अत्यंत कठिन है। इस विपदा की महाघड़ी में पूरे देश में कई धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ऐसे गरीब जरूरतमंद लोगों एवं पर प्रांतीय श्रमिकों लोगों को जीवन जरूरी चीज वस्तुएं उपलब्ध करवा कर विपदा से बाहर लाने का सर्वोत्तम मानव धर्म निभाया जा रहा है। इसी संदर्भ में विवेकानंद नगर पुलिस थाना हाथीजन अहमदाबाद के पुलिस सब इंस्पेक्टर श्रीमान आर बी राणा, ER पटेल, मोहन साहब, सुभाष भाई, इंदु भाई और उनका पूरा पुलिस स्टाफ सब साथ मिलकर पास के गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए उनकी दैनिक जरूरत के सामान की 1000 किट बनाकर इन लोगों में बांटने का आयोजन किया गया है।